हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। गरीबी एक ऐसा रोग है जो ना जाने कितने लोगों को रोज खाते जा रहा है, लेकिन इस रोग को खत्म करने का कोई रास्ता नहीं है। ऐसी ही कहानी है हमारी कहानी की पात्रा आरती की, जो बहुत गरीब थी और गरीबी में सही इलाज ना मिल पाने के कारण उसने अपनी माँ को अभी अभी खोया था और पिता का साया तो उस पर से बचपन में ही हट गया था। अब उसके जीवन का कोई सहारा था तो वो था उसका छोटा भाई, जिसको रोते हुए वो कहती है, भाई रोना बंद कर, अब माँ जा चुकी है, आखिर हम कब तक उसकी याद में रोते रहेंगे? अगर आप ऐसे ही रोते रहोगे तो माँ की आत्मा को बहुत परेशानी होगी। दीदी रोना तो क्या करूँ, जब माँ थी तो ऐसा लगता था सर पे बड़े का हाथ है, लेकिन अब तो मैं अनाथ हो चुका हूँ ना। चुप कर पगले, ऐसा मत बोल, मैं हूँ ना, मैं वादा करती हूँ अब से मैं ही तेरी माँ हूँ और मैं ही तेरा बाप भी हूँ, और जब तक तू कुछ बन नहीं जाता ना, मैं अपना घर कभी नहीं बसाऊंगी। ये बोलकर आरती अपने भाई के गले से लग जाती है। आरती एक सुधीर नाम के लड़के से प्यार करती थी, जो कि एक लकड़हारा था और उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन अचानक हुए उसके हादसे के बाद वो उसके पास जाकर उसे कहती है, जानती हूँ सुधीर, तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन मेरी माँ के जाने के बाद मेरा भाई अकेला पड़ गया है और मैं उसे अकेला छोड़कर अपना घर नहीं बसा सकती हूँ। उम्मीद है कि तुम मुझे समझोगे और भूल जाओगे। आरती, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और करता रहूँगा, तुम अपने भाई का ख्याल रखो, मैं तुम्हारा इंतजार करूँगा, अगर मेरा प्यार सच्चा हुआ तो तुम एक दिन जरूर मेरे पास आओगी। सुधीर ये बोलकर चला जाता है और आरती कई जगह काम की तलाश करती है, लेकिन कोई उसे गंदी नजर से देखता तो कोई उसे भगा देता, उसे कहीं काम नहीं मिलता, और ये सब देखकर वो परेशान होते हुए कहती है, भाई को कॉलेज भेजना है, ऐसे ही चलता रहा तो कॉलेज भेजना तो दूर, दो वक्त की रोटी भी नहीं खिला पाऊंगी, मैं नहीं चाहती वो काम करे और उसकी पढ़ाई खराब हो, मुझे कुछ करना पड़ेगा। वो ये सब सोचती है कि तभी उसकी नज़र एक दुकान पर जाती है और भूख लगने के कारण वो कुछ खाने उस दुकान पर जाती है, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो कुछ खा पाए, इसीलिए वो भूखी ही घर आती है और घर पर चूल्हे पर खिचड़ी चढ़ाती है कि तभी उसकी पड़ोसन सोनम वहाँ आकर कहती है, आरती बहन, बड़ा दुख हुआ तुम्हारे साथ जो हुआ वो सब सुनकर, भगवान तुम्हें हिम्मत दे। कैसी हिम्मत बहन, भाई को कॉलेज भेजना है, कहीं कोई काम नहीं मिल रहा, छोड़ो मेरी किस्मत का रोना, लो खिचड़ी खाओ, मैं तुमको भूखे पेट यहाँ से नहीं जाने दूंगी। आरती के कहने पर सोनम खिचड़ी खाती है जो बहुत अच्छी बनी थी, जिसको खाने के बाद वो अपनी उंगलियां चाटते हुए कहती है, कितनी अच्छी खिचड़ी बनाई है तुमने, तुम्हारे हाथों में तो जादू है, तुम खुद कोई काम शुरू क्यों नहीं करती? क्या मतलब तुम्हारा, अब मैं खुद का काम करूँ? पता भी है उसमें कितना पैसा लगेगा? मेरी बात सुनो आरती, मैं जानती हूँ तुम और सुधीर एक दूसरे को पसंद करते हो, तो एक दूसरे का सहारा क्यों नहीं बन सकते? मेरा मतलब कि हमारे खुद के खेत हैं, जिनमें बहुत अनाज उगता है, सब्जियाँ उगती हैं, और तुम्हारे प्रेमी सुधीर का लकड़ी का काम है, तुम मुझसे अनाज और सब्जी ले लो, सुधीर से चूल्हा जलाने की लकड़ी, और अपना हुनर इस्तेमाल करके एक छोटा सा ढाबा खोलो। क्यों मजाक कर रही है, चल तू तो एक बार को मेरा साथ दे भी देगी, लेकिन मैंने जो सुधीर के साथ किया क्या वो मेरा साथ देगा? नहीं ना, वो तुझे बहुत प्यार करता है बहन, जरूर तेरा साथ देगा, मैं जाकर उससे बात करती हूँ, हम अगले हफ्ते से ही तेरा छोटा सा ढाबा शुरू कर देंगे। ठीक है बहन, जैसा तू बोले, वैसे भी अब मेरे पास खोने को तो कुछ है ही नहीं, तू जाकर बात कर ले। सोनम उसके घर से जाकर सुधीर से इस बारे में बात करती है और वो तुरंत हाँ कर देता है, जिसके बाद भगवान का नाम लेकर आरती अपना खुद का ढाबा शुरू करती है, जहाँ वो चूल्हे पर खाना बनाया करती। सुधीर उसे लकड़ी देता, सोनम अनाज, और हाथ का हुनर आरती का हुआ करता। आरती ढाबे का नाम भी गरीब चूल्हे वाली रखती है, क्योंकि जहाँ सब ढाबे वाले गैस पर खाना बनाते हैं, वहाँ वो चूल्हे पर। एक दिन एक औरत उससे आकर कहती है, वाह वाह आरती, तेरे हाथों का खाना खाकर तो मजा आ गया, मैंने बचपन में जब अपनी माँ के हाथ का खाना खाया था तब वो ऐसा था, मेरे पास तेरे लिए काम है, अगर तू करे तो। जी काकी बताइए ना, अगर मेरे बस की होगा तो जरूर करूँगी। मैं जिस जगह रहती हूँ
वहाँ कई लड़के लड़की रहते हैं जो महंगे महंगे होटल से रोज खाना खाते हैं। अगर तू चाहे तो मैं तेरे खाने की बात वहाँ करूँ। वो इतना महंगा खाना खाते हैं, उनकी भी बचत हो जाएगी और तेरी कमाई भी। काकी नेकी और पूछ पूछ। लेकिन उनको पहले फ्री डेमो देना होगा, तो तू मुझे कल 50 टिफिन बनाकर दे दे ताकि मैं उनको चखने को दूँ, और अगर उनको पसंद आया तो ऑर्डर मिल जाएगा। 50? पर मैं इतनी जल्दी ये सब कैसे करूँगी? अब वो तेरी सरदर्दी है, ये समझ कि किस्मत तुझे मौका दे रही है। अब उसे अपनाना या छोड़ना तेरी मर्जी है। कल सुबह मुझे 50 टिफिन तैयार करके दे देना, बाकी तेरी मर्जी। ये बोलकर वो औरत चली जाती है और ये सब आरती सोनम को भी बताती है। दोनों चिंता में पड़ जाती हैं कि एक दिन में 50 टिफिन कैसे तैयार होंगे। जिसके बाद तभी वहाँ उसका भाई और सुधीर आते हैं और कहते हैं, दीदी आप चिंता मत करिए, आपने मेरे लिए कितना कुछ किया है। मैं और सुधीर मिलकर आपका इस ऑर्डर को पूरा करने में आपका साथ देंगे। सुधीर, वैसे भी तुमने मेरा बहुत साथ दिया है। तुम चूल्हे को जलाने के लिए लकड़ी देते हो, और जब तक मेरा काम थोड़ा चल नहीं रहा था तुमने पैसे तक नहीं लिए थे। अब मेरा और साथ देकर मुझे शर्मिंदा मत करो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, अगर मुझे ये साथ तुमसे शादी के बाद देना होता तो क्या तुम मुझे तब भी मना करती और रोकती? अब तुम सबका ये ड्रामा खत्म हो गया हो तो काम करे, बहुत काम पड़ा है। गरीब चूल्हे वाली का ये ऑर्डर जो पूरा करना है। जिसके बाद सब मिलकर आरती की मदद करते हैं। केतन सब्जियां काटता है, सोनम आटा गूंथती है, और सुधीर आरती का बाकी के कामों में हाथ बटाता है, और आरती भी बड़े से मिट्टी के दो चूल्हे बनाकर उन पर खाना पकने के लिए चढ़ाती है। अगली सुबह जब वो औरत आती है तो खाना लेकर चली जाती है, जिसके बाद आरती की आंखें उस औरत के वापस आकर उसके जवाब देने की राह देख रही थी। लेकिन हफ्ते बाद भी वो औरत वापस नहीं आती। आरती को निराशा की आंधी घेर लेती है, जिसके बाद वहाँ सुधीर और केतन मिठाई लेकर आते हैं और आरती का मुंह मीठा करवाते हुए कहते हैं, लो मुंह मीठा करो। किस खुशी में उस औरत ने जवाब दे दिया क्या? दीदी वो शायद कोई कपटी औरत थी जो हमारा बना बनाया खाना लेकर चली गई, लेकिन उसने हमें भी तो आइडिया दे दिया कि हम भी तो ऑफिस जाकर टिफिन सप्लाई की बात कर सकते हैं, और मैं और सुधीर वहाँ गए थे और हमको रोज के 100 टिफिन का ऑर्डर मिला है। ये सुनकर आरती की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो खुशी से अपने भाई को गले लगा लेती है, जिसके बाद उनकी जिंदगी की गाड़ी ट्रैक पर आ जाती है। वो टिफिन के काम के लिए और औरतों को भी काम पर रखती है, और सुधीर केतन और सोनम से कहती है, मैं बहुत खुशनसीब हूँ जो तुम तीनों मेरी जिंदगी में आए। तुम तीनों की वजह से ही मैं वहाँ से यहाँ तक आ पाई हूँ। तुम लोगों के साथ ने इस गरीब चूल्हे वाली को इतना मशहूर कर दिया कि मैं गर्व से कह सकती हूँ। ये सब तो चलता रहेगा, लेकिन अब तुम सुधीर भाई से शादी कर लो ताकि मैं भी केतन से शादी कर सकूं। क्या तुम केतन से प्यार करती हो? हाँ दीदी, सोनम मुझे पसंद करती है और मैं भी। साथ काम करते करते कब हमको प्यार हो गया पता ही नहीं चला, और अब हम शादी करना चाहते हैं। तो कुछ महीने बाद मेरा कॉलेज खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम आपकी और सुधीर की शादी करवा देंगे। फिर आप सोनम के घर वालों से बात करके हमारी भी शादी करवा देना। मैं आज बहुत खुश हूँ। ऐसा लग रहा है कि जैसे आज इस गरीब चूल्हे वाली की पूरी दुनिया ही खुशियों से भर गई हो। आरती खुशी से रो पड़ती है। केतन का कॉलेज खत्म होने के बाद आरती अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होकर सुधीर से शादी कर लेती है, और कुछ महीने बाद वो सोनम और केतन की भी शादी करवाती है, जिसके बाद वो चारों मिलकर अपना गरीब चूल्हे वाली का ढाबा और टिफिन सर्विस को चालू रखते हैं। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।